सुधीर कुलकर्णी पूछते हैं साधना करते समय कभी कभी बिना किसी कारण अचानक भूतकाल से कोई व्यक्ति या घटना मन में उभर आता है या कोई चेहरा आ जाता है या फिर काफी समय तक रहता है इस पूर्व जीवन के घटना या व्यक्ति के स्मृति से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? आज अच्छा दिन है तो एक कहानी और एक आदमी की पत्नी मर गई थोड़े समय तो बड़ा गम में रहा वो फिर जैसे पुरुष होते हैं उसको लगा अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए तो उसने एक महिला से दोस्ती बना ली और महिला लगभग लगभग राजी हो गई शादी करने के लिए इस विधुर के साथ रात वो जब वो सोया ये सोच के अब तो शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं और उसी रात उसकी पत्नी का मरी हुई पत्नी का भूत आके उसकी छाती पे बैठ गया तू शादी करेगा मैं तुझे खा जाऊंगी तेरे से पहले मैं उसको खा जाऊंगी वो इतना डरा इतना डरा इतना डरा फिर लगा शायद कुछ भ्रम हुआ होगा पर अगले दिन रात वो भूत बन भूतनी बन के फिर आ गई फिर आ गई फिर आ गई फिर आ गई।, गई हालत बड़ी खराब उसकी ध्यान आया कि अपने गुरुजी से जाके पूछता हूँ गया अपने गुरु के पास कहता गुरुवर मेरी पत्नी का भूत मुझे बड़ा सता रहा है मैं क्या करूँ गुरु ने कहा एक काम करो ये तुम्हारे हाथ में मैं कुछ देता हूँ पर्ची चिट चिट इस चिट में कुछ लिखा है तुमने भी नहीं पढ़ना उसको बस चिट रखो ऐसे हाथ में और आज रात जब सो या सोने जाओ और तुम्हारी वो पत्नी का भूत आ जाए तो उसको कहना हिम्मत करके कि मेरे हाथ में लिखी पर्ची में क्या लिखा है अगर तू मुझको बता दे तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँ ठीक है पर्ची लिया रात वो जैसे ही हुई जैसे ही सोने के लिए लाइट वाइट बंद करी भूतनी आ गई भूतनी आई तो डरा पहले और फिर याद आया कि गुरुजी ने वो पर्ची दिया है तो मुट्ठी में पर्ची का स्मरण आया तो कहता है अगर तू मुझे ये बता दे कि मेरे हाथ में रखी इस पर्ची में क्या लिखा है तो मैं दूसरे ब्याह का ख्याल छोड़ दूंगा जैसे ही उसने ये बात बोली वो भूतनी गायब हो गई उसने लाइट जगाई पर्ची खोली और पढ़ा क्या आप जानना चाहेंगे कि पर्ची में क्या लिखा था गुरु जी ने गुरु ने पर्ची में लिखा कोई भूतनी नहीं आई है तेरे मन का डर ही भूतनी बन के दिख रहा अब चूंकि ये ये बात खुद उसने नहीं पढ़ी तो उसके मन को नहीं मालूम तो मन में दिखने वाली भूतनी को कहां से पता होगा तो इसका अर्थ क्या है मन में कोई स्मृति या घटना की जो आकृतियां आपके बन रही हैं जो आपने अपने मन में डाला है उस मन से ही निकली हुई वस्तुएं आज अगर वो अच्छी नहीं लग रही हैं कि ये क्यों मुझे दिखाई दे रही हैं तो पूर्व काल या भूतकाल की उन व्यक्ति या वस्तु या स्थितियों का स्मृति तुम्हें ना आए उसके लिए वर्तमान में तुम्हारा अपना शरीर मिथ्या है ब्रह्म है और इस ब्रह्म का निश्चय तुम्हें हो जाए कि जिस संसार को मैं देख रहा हूँ वह भी मिथ्या है मेरा शरीर भी मिथ्या है तो फिर क्या होगा कोई भी भूत रह ही नहीं सकता तुम्हारे ही मन का ख्याल है ना जो तुम्ही को परेशान करता है तो अपने ख्याल की निवृत्ति आप अपने मन के द्वारा ही तो कर सकते हो तुमने देखा कभी कभी छोटे बच्चे इस सर्दियों के मौसम में मां वो ऊन से स्वेटर बनाती हैं आजकल सब रेडीमेड पहनते हैं पर मैं फिर भी कहूँगी जो हाथ के बने का स्वेटर का गरमाइश या जो एक माओ का प्यार होता है ना वो रेडीमेड स्वेटर में नहीं हो सकता हाँ तो कभी कभी बच्चे छोटे बच्चे साल डेढ़ साल के वो माँ की ऊन से खेलते हैं पूरा गोला खोल के अपने में लपेट के खुद फंस के बैठ जाते और फिर रोते छूटना नहीं आता उनको क्या करें अब ऐसे में तो ऐसे में उनकी मम्मी को आना पड़ता है और फिर साथ में उसे चुप कराती है और साथ में उसकी वो ऊन जो है जो उसके लिपटी पड़ी है उससे उसको वो छुड़वा देती है पर बच्चा अगर बड़ा हो तो माँ कहती दिमाग खराब तेरा था अब आपे छूट मत देख इसका सिरा कहाँ है सिरे को पकड़ ले और उसको अंगुली पे लपेटना शुरू कर दे तो वो कर दे अगर शुरू तो गोला बनते 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 धीरे धीरे क्या है वो सारी उलझने जो हैं वो सुलझ जाती हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी इज फसाया खुद है मन को निकालोगे भी तुम ही अब तुम इतने छोटे तो हो नहीं ना कि तुम्हें हम सुलझावें अब तो आपको आपके मन की उलझन खुद ही खोलनी पड़ेगी पक्की पक्की बात है जिस मन से सोचते हो वह मन स्वयं ही मिथ्या है और उस मिथ्या मन में जो दिख रहा है वह भी मिथ्या है वह भी झूठ है तो फिर रो काहे रहे हो कोई आवश्यकता नहीं है अपने मन की उलझन को सुलझाना बस इसी तरह से सहजता से हो जाएगा